तो भाई जब यहाँ तक आ रखे हैं तो एक बार अंदर गुफा में जाएंगे। तो ये सामने है गुफा, थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे झाड़ियाँ झाड़ रखी है ये। हेलो दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से मैं आपका दोस्त अंकित आज आ रखा हूँ देवलगढ़ में। दरअसल देवलगढ़ का ये सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको देवलगढ़ की हिस्ट्री बताई थी, इसी के साथ में जो देवलगढ़ का टेम्पल है वो बताया था, जैसे कि महाराज राजेश्वरी का टेम्पल हो गया, इसी के साथ में गौरा माँ का मंदिर भी बताया था और जो राजा का मंदिर है वो सब चीज़ें बताई थी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं यहाँ पर देवलगढ़ में कुछ गुफाएं हैं, इसी के साथ में कुछ राजा के कुएं, तो उन सभी जगह को दिखाने वाले हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ पीरों की समाधि भी है जो कि 15th century की बनी, मतलब 1500 की है जो, तो उन सभी को दिखाने वाले हैं। तो अभी के टाइम पर आप यहाँ पर मौसम देख सकते हैं, मौसम आज बहुत ही सुहाना हो रखा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले वीडियो में मैंने आपको टेम्पल बताया था, इन सभी जगह को बताया था, उस दिन मौसम कुछ ज़्यादा अच्छा साफ नहीं था, लेकिन आज मौसम काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल साफ मौसम है। तो आज रिकॉर्डिंग अच्छे से आई, क्वालिटी अच्छी होने वाली, मतलब इम्प्रूव होने वाली है पहली वाली वीडियो से। और अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और इससे पहले आपने अगर देवलगढ़ का पार्ट वन नहीं देखा है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप उसको एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपको जो ये देवलगढ़ की सीरीज है ना वो तभी समझ में अच्छे से आ पाएगी जब आप पार्ट वन देखते हैं। तो अगर आप यहाँ से बिल्कुल सीधा आगे देखते हैं तो आगे आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि वहाँ पर गौरा माँ का मंदिर है, इसी के साथ में भैरवनाथ का मंदिर भी है। और ऊपर अगर थोड़ा सा ऊपर को देखते हैं तो ऊपर आपको चोटी में महाराज राजेश्वरी का मंदिर भी दिख रहा है। और जो अभी हम जाने वाले हैं जिस जगह पर हम यहाँ से जाएंगे नीचे, यहाँ पर सबसे पहले हमें पीरों के दर्शन होंगे, इसी के साथ में हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, उसके बाद हमें एक गुफा दिखने वाली है इस तरफ में, और अगर उससे थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो हमें वहाँ पर कुएँ दिखेंगे जो कि दो कुएँ हैं, तो वहाँ पर जाएंगे। तो आज इन जगह को दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए। दरअसल ये देवलगढ़ में दूसरा दिन है रिकॉर्डिंग का। दरअसल आज हम सुबह लगभग यहाँ पर 11:30 बजे के राउंड में पहुँचे थे। तो सबसे पहले हमने माँ राजराजेश्वरी के दर्शन करें, मंदिर में गए, और उसके बाद दर्शन करने के बाद अब यहाँ पर आ रखे हैं। तो अब आज इस इन जगह को दिखाने वाले हैं बेसिकली। तो हमने क्या किया, मैंने एक डंडा तोड़ लिया, तो मैंने वहाँ पे पंडित जी से पूछा था, जो वहाँ पे पंडित जी थे उन्होंने बोला कि नीचे झाड़ियाँ हो रखी हैं, कुछ हमें लोकल लोग भी मिले थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया कि मतलब अपने साथ डंडा लेके जाना भाई सेफ्टी के लिए, क्योंकि झाड़ियाँ भी हैं, इसी के साथ में यहाँ पे स्नेक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए एक लकड़ पकड़िए, वैसे मजबूत तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, ना होने से बेहतर है कि कुछ तो है। तो आप इन जगह को देख सकते हैं, जगह बहुत खूबसूरत है। अच्छी बात यह है कि मौसम ना आज बहुत ही साफ है। और अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसको मैं कह रहा था ना, पीरों के समाधियां जहां पे, तो उस जगह पर पहुंच गए, तो उस जगह को दिखाएंगे आपको। तो एक बार चलते हैं यहां पर, पीरों के दर्शन करते हैं और आपको भी यहां पर दिखाते हैं कैसा है यहां पर। तो अभी हम उस जगह पर पहुंच गए थे, वैसे मैंने आपको दिखा दिया कि हम यहां पर पहुंच गए, लेकिन एक बार फिर से होता है ना कि दोबारा रीटेक करने के लिए, तो एक बार आपको यहाँ पर दिखाते हैं जो पीरों की समाधियाँ हैं यहाँ पे, उनको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप सीधा आगे देखते हैं तो आपको कुछ ये स्ट्रक्चर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारी समाधियाँ हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये काफ़ी सारी हैं, गिनती तो नहीं किया मैंने, लेकिन बहुत सारी हैं। तो इन जगह को देख सकते हैं, ये छोटे छोटे मंदिर भी बना रखे हैं इन पर। तो यहाँ तक है समाधियाँ, तो कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं। दरअसल ये जो समाधियाँ हैं ना, इनके चारों तरफ बाउंड्री लगा रखी है कि मतलब यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ ना कर सके या फिर इनको मतलब नुकसान ना पहुँचा सके। जो हमारा ESI है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो, तो उसके अंडर में यह सारे, जैसे कि मंदिर बताया था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में, वो जगह या फिर ये जगह, यहाँ पर जो नीचे कुएँ हैं या फिर वो है क्या कहते हैं गुफा है, वो सभी ESI के अंडर में है। तो यहाँ पर मतलब अगर कुछ भी अगर तोड़ फोड़ करते हो, नुकसान पहुँचाते हो, तो मुझे लगता है 2 साल की कुछ जेल के अराउंड में है यहाँ पर प्रावधान, तो आप इस बात से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पीरों की समाधि दिखाने के बाद अब चलते हैं नीचे गुफा में। तो गुफा थोड़ा सा नीचे नीचे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर दिखाएंगे। तो जो मैंने पूछा था, बोला वहाँ पे गेट लगा रखा होता वैसे, तो उन्होंने बोला था कि खोल के चले जाना, अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार जाते हैं उस जगह को, दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उस गुफा को। देखिए मैं भी फर्स्ट टाइम पहली गुफा में जाऊँगा भाई ज़िंदगी में, मतलब इससे पहले कभी नहीं देखा है, मतलब ऐसा देखा तो है, क्यों नहीं देखा ऑनलाइन, लेकिन गया नहीं हूँ कभी, तो इस बार ही देखेंगे कैसा है। तो हम जाएंगे यहाँ पर नीचे, इसी साइड में है गुफा यहाँ पर नीचे पहाड़ी पर, तो उस जगह पर जाने वाले। और इसी के साथ में जो सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है ये भी बहुत खूबसूरत है।
तो ये रास्ता देख सकते हैं, रास्ता बहुत ही ज़्यादा संकरा है कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर जाने की, इन जगहों पर जाने की आदत पड़ी है। मुझे लग रहा है गुफा यहीं पर है, यहीं कहीं पर दिख रही है, लेकिन देखते हैं आगे चल के थोड़ा सा आगे और जाके, कुछ यही लग रही है गुफा ना। थोड़ा सा धूप भी लगने लगी है, गर्मी होने लगी है, और गुफा है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा आगे आप देख रहे होंगे ना, वैसे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर गुफा है, तो यहाँ पर जाएंगे एक बार, गुफा देखते हैं, और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे एक जहाँ पर कुएँ। तो अभी क्या है ना, गुफा के आगे थोड़ा झाड़ी हो गई है, तो जाने का वैसा रास्ता नहीं है बिल्कुल साफ। तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर रास्ता, मतलब इस झाड़ी को झाड़ कर जाने वाले, रास्ता बन जाए जिससे। तो भाई थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में, ये झाड़ी झाड़ने के बाद में, फाइनली आपको यहाँ पर पीछे गुफा दिखाई दे रही है। तो इसी गुफा को दिखाने आया था स्पेशली। तो जब पहले जैसे गुफा बनाई जाती थी वो कुछ इस तरीके से थी, ये आगे से पूरा फ्रेम बना रखा है, यहाँ पर एक ना लोहे का गेट लगा रखा है, तो अंदर को वैसे गुफा है और अंदर वैसे दिखाई नहीं दे रहा पूरा अच्छे से, लेकिन अंदर को मुझे लग रहा है कि सीधा अंदर को जा रखी है गुफा। तो यहाँ पर पहले कोई रहता था शायद, मतलब पहले बहुत टाइम पहले रहा होगा कोई, लेकिन अभी के टाइम पर वैसा नहीं है, और गेट भी बंद कर रखा है। गेट वैसे तो खुला तो है, लेकिन खुलेगा नहीं यार गेट भाई। बहुत बड़ा है यार अंदर तो, वो कमरे से बड़ा है यार। हाँ है? अंदर अंदर मुझे लग रहा कोई मंदिर बना रखा है ना यहाँ पे, पर हम जा नहीं सकते। क्यों, कैसे जाएं भाई, दौड़ा के बाहर भेजेंगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भगवान का ही मंदिर है यार। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं, अंदर ना कमरे से भी बड़ा एरिया है, लेकिन बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कोई अंदर जाता नहीं है ना। तो क्या करें भाई, जाना है, जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए भाई। डंडा ले ले साथ में, जूते उतारने पड़ेंगे यार, क्योंकि भगवान का मंदिर है ना। मुझे से डर लग रहा है यार। अरे कुछ नहीं होता, जब आ रखे हैं तो एक बार जाते हैं यार, देख कर जाते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं अंदर। तो भाई जब यहाँ तक आ रखे हैं तो एक बार अंदर गुफा में जाएंगे, आपको भी इस गुफा को दिखाते हैं गुफा कैसी है। तो अंदर चलते हैं, अंदर अनुज वो अरुण जा रखे हैं अंदर, तो हम दोनों भाई भाई आज देखी जाएगी मेरे भाई। चलो वहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं गुफा, और गुफा यार बहुत बड़ी है यार ये तो। हाँ पूरे कमरे लाए जाए। हाँ वही तो, अंदर मुझे लग रहा है शिव जी के दर्शन कर सकते हैं, अंदर शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, तो अंदर है शिव जी की शिवलिंग है अंदर, जो कि बहुत ही प्राचीन है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। तो ये देख सकते हैं गुफा, तो शिवजी का मंदिर है भाई। तो गुफा देखने के बाद अब आ रखे हैं बाहर, तो गुफा बहुत बड़ी गुफा है भाई अंदर। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार गुफा देखी है, शायद मुझे इसलिए बड़ी लग रही हो, और आप लोगों ने क्या पता पहले भी देखी हो, क्या पता आपको छोटी लग रही हो, लेकिन जो भी ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मतलब ये तो आपने जैसा कि अंदर देखा होगा शिवलिंग रखा है, तो बहुत ही प्राचीन है। और आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार कैसे करके उस टाइम पर लोगों ने बनाया होगा इसको। तो आप इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ पर ये आगे से चिनाई कर रखी है, और अंदर ना पत्थर काट के बना रखा पूरा एरिया। पसीना होना शुरू हो गया भाई, पर कोई बात नहीं। अब जाने वाले हैं हम यहाँ से नीचे, यहाँ पर नीचे कुएँ हैं, राजा के दो कुएँ हैं, तो वहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आकर शिव जी के दर्शन भी हो गए, और इसी के साथ में मैंने आपको गुफा भी दिखा दी किस तरीके से पहले बनाई जाती थी। अब चलते हैं नीचे जहाँ पर कुआँ है, उस जगह को दिखाते हैं आपको।
तो यहाँ पर थोड़ा बहुत झाड़ियाँ हो रखी है, बट कोई बात नहीं, चलेगा भाई इतना। तो ये ना पूरा, मतलब हम इन जगह को भ्याल कहते हैं, भ्याल मतलब कि चट्टान, जो मतलब पहाड़ी होती है ना, तो आप बिल्कुल सीधा नीचे देख सकते हो, नीचे 80-85 डिग्री का है नीचे। तो जब हम राजेश्वरी के दर्शन कर रहे थे ना ऊपर, और नीचे आए थे, वहाँ पर एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का बना रखा है, मतलब एक जहाँ पर चाय चुई पी सकते हैं ना, खाना खा सकते हैं, वहाँ से यहाँ नीचे एक कुआँ दिख रहा था। तो मैं अंदाज़ा लगा रखा है कि कहाँ पर है मतलब कुआँ, इधर ही नीचे को जो यहाँ पर है, नीचे जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर है कुआँ। खाई तो है तो भाई साहब, यहाँ पे ना रास्ता बहुत ही वैसा है, कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक सा है। मुझे लगता है कि अगर साफ़ रहता तो बेहतर रहता, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत नीचे दिखाई देना शुरू हो गया, तो मुझे लगता है कुआँ इसी साइड में है कहीं पे। एक कुआँ तो ऊपर से दिखाई दे रहा था, और कोशिश करते हैं मतलब दोनों कुएँ दिख जाए भाई। नाव फाइनली थोड़ा वैसी जगह में पहुंच गए जहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और यहां पे ना साउंड का इकोसिस्टम गूंज रहा है। चलो देखते हैं, एक बार कुआं देखते हैं, यहां पे कुआं को खोजते हैं। वैसे ऊपर से तो एक कुआं दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरा कुआं नहीं दिखाई दे रहा था, तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं कहां पर है। तो इन जगहों में कुआं कहीं पे यहां पर है, जो ऊपर से दिख रहा था, मुझे लग रहा है यही वाली साइड है जहां पर कुआं हो सकता है, यहां पर नीचे को। तो एक बार देखते हैं उधर जाकर, वो देख रहा है ऊपर, हाँ मींस पानी वाला। हाँ तो एक बार वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं एक बार, ठीक है। हाँ। मुझे लग रहा है वहाँ से ये सही जगह दिखेगी, ठीक है। तो वहाँ पे चलते हैं एक बार। तो वहाँ पर यार एक छोटा सा कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर चलेंगे, वहाँ से देखते हैं इस एरिया को। तो अभी हम कुएँ में पहुँच चुके हैं, यहाँ पर एक कुआँ है और एक ही दिखाई दे रहा है, दूसरा कुआँ का पता नहीं चल रहा कि दूसरा कुआँ कहाँ पर है, लेकिन कोई बात नहीं, एक भी दिख गया वो भी बड़ी बात है ना। तो आपको एक बार यहाँ पे दिखाते हैं, इसके अंदर दरअसल पानी है, तो उसको दिखाते हैं। मतलब वैसा कुआं नहीं है जैसे शहरों में होता ना कि बहुत ही गहरे खोदे हुए, वैसा नहीं। वो जिनमें मतलब पानी इकट्ठा होता है ना, अपने आप ही पानी आता है ऊपर से। हमारे यहाँ पे कुछ और कहते हैं वैसे, मंगरा करके कुछ कहते हैं, तो उस तरीके का है यहाँ पे, तो वो है मतलब। तो उसके अंदर अभी के टाइम पे पानी अभी तक मतलब वर्क कर रहा प्रॉपरली। तो एक बार आपको यहाँ पर इस जगह को दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर पूरा कुएँ के लिए स्ट्रक्चर बना रखा है, और ये पूरा मतलब घर सा बना रखा है। इसी के साथ में यहाँ पर अंदर को कुआँ है, तो ये अंदर देख सकते हैं, इसमें पानी भरा हुआ, नीचे पानी इकट्ठा हो रखा है इसमें। और ये कभी ना इससे ऊपर क्रॉस नहीं होगा, ये पानी इतना ही रहेगा बस। ये मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर चढ़ जाएगा भरने के बाद, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये पानी नीचे ही रहेगा ये। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इस जगह को बनाया हुआ, और ऊपर एक पत्थर पर शिल्पकारी भी कर रखी है सामने, जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो इस पूरे एरिया को देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। तो ये रहा एरिया जहाँ पर हम अभी आ रखे हैं, और ये यहाँ पर देख सकते हैं पूरी झाड़ियाँ हो रखी हैं यहाँ पे भाई, पूरी झाड़ियाँ। और ऊपर को है, ऊपर जो मंदिर दिखाया था ना मैंने पहली वीडियो में, वो ऊपर इस चोटी के ऊपर में है मंदिर। तो इस जगह को भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। और हम आए हैं यहाँ ऊपर से, इन जगहों से आए हैं हम नीचे। तो कुआँ तो देख लिया भाई, यहाँ पर आके अच्छा लगा। और अब चलते हैं वापस जहाँ से हम आए हैं, जहाँ पर हमने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है, वहाँ पर चलते हैं, और फिर थोड़ा बहुत वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ पर बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। तो चलें भाई, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हो, सीधा ऊपर की ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। तो रास्ता देख ही सकते हैं, रास्ता तो दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन खोजते हुए जाएंगे भाई, जैसे हम आए थे वैसे ही जाएंगे फिर वापस। तो चलो चलते हैं। छोटा स्नेक था भाग गया आ जाओ, अरे भाग गया नीचे। तो फाइनली वहीं पर पहुंच गए हैं जहां से हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी, ये देवलगढ़ का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था। तो ऊपर है हमारी बाइक्स, और इस मौसम को देख सकते हैं, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। तो अभी हम रोड में पहुंच चुके हैं, सांस फूल जाती है ना इतनी चढ़ाई पे आते वक्त यार, नीचे से जो ऊपर की चढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा थी।
पर मज़ा आया भाई, उन पुराने जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको देख के अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं अंदर से ये लगता है कि हाँ भाई था यार कुछ, मतलब जो हमारा मतलब पुराना इतिहास रहा है ना वो झलकता है देवलगढ़ में। तो एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने देवलगढ़ का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें। आपको आई कार्ड पर मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट ज़रूर करें। मतलब कि आपको जो देवलगढ़ का पहला पार्ट है ना उसमें हमारे यहाँ का इतिहास दिखेगा कि हमारे यहाँ का इतिहास कैसा रहा है। इसी के साथ में जो माँ राज राजेश्वरी है उनका जो टेम्पल है ना वो दिखेगा, जहाँ पर माँ राज राजेश्वरी को स्थापित किया गया था वो यही जगह। इसके बाद में और 7 जगह में भी माँ राज राजेश्वरी के मंदिर है, जैसा कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और जगह पर है। तो इसके बारे में उस वीडियो में पता चल जाएगा आपको पार्ट 1 में, तो वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। और इसी के साथ में अब वक्त हो चला है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का। होपफुली आपने ये देवलगढ़ की सीरीज़ इन्जॉय की होगी। लोकेशन बहुत बढ़िया है, एक बार आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ आप किस तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर घूमने के लिए आप यहाँ पर आना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से 190 किलोमीटर कोटद्वार है जहाँ पर आप बस ट्रेन टैक्सी सर्विस के थ्रू आ सकते हैं, और कोटद्वार से और पौड़ी की जो डिस्टेंस है वो लगभग 109 मतलब 109 किलोमीटर के राउंड में। कोटद्वार से आप पौड़ी बस और टैक्सी के थ्रू पहुंच सकते हैं। पौड़ी में आपको रहने के लिए सारी सुविधाएं मिल जाती है, होटल हो गया या फिर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जैसे ओयो ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। और जो पौड़ी से यहाँ की दूरी है वो है लगभग 40-45 किलोमीटर के अराउंड में है, तो आप पौड़ी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, टैक्सी के थ्रू पहुँच सकते हैं। इसी के साथ में आप वहाँ पर किसी को बुक कर सकते हैं, मतलब पर्सनल व्हीकल हो अगर आपके पास में तो ये वेल एंड गुड रहेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसे अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर रहने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती है, देवलगढ़ में कोई सुविधा नहीं है रहने के लिए। अदरवाइज़ अगर होती तो मैं उसी दिन, मतलब जिस दिन पहला पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं यहीं पर स्टे कर लेता, लेकिन रहने के लिए नहीं है। इसी के साथ में खाने की भी, मतलब जो खाना है वो भी अपने साथ कैरी करके चले, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पर खाना मिल पाए। जितनी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ के बारे में वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है पहली वीडियो में और पार्ट 2 में। तो जगह तो बहुत बढ़िया है, तो मतलब आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस जगह को ज़रूर देखने आए और इस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आपने देख लिया होगा कि ये यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो अब वक्त तो चला इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का। होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।